So Mufasa said, Sarabi and I did not see you at the presentation ceremony of Simba. So Mufasa said to Scar, Mufasa ने Scar से कहा, Sarabi और मैंने आपको Simba की ceremony में नहीं देखा. You as my brother should have been the first one to congratulate us and bless your nephew. Nephew means? जो brother का बेटा होता है, son होता है, उसको nephew बोलते हैं. आपको मेरे भाई के रूप में, मेरे brother के रूप में सबसे पहले अपने nephew को congratulate करना चाहिए था और उसको bless करना चाहिए था. Remember, he is your future king. Remember, याद रखो कि वो आपका फ्यूचर किंग है. I shall practice my curtsy, Scar said in mocking voice. Scar ने mocking voice में बोला कि मैं curtsy की प्रैक्टिस करूँगा. curtsy means घुटने के बल बैठकर अपने नी के सपोर्ट करके, नी को सपोर्ट करके, यानी घुटने के बल बैठकर सर झुकाना. बॉट उसने मुफासा की तरफ सम्मान में सर झुकाया. देन टर्न हिज बैक ऑन द किंग और किंग की तरफ से टर्न किया एंड वॉकड अवे और चला गया. द डेज पास्ड एंड सिम्बा ग्रू फ्रॉम एन इन्फेंट इनटू अ क्यूट एंड फैट कब. दिन बीतते गए. सिम्बा एक इन्फेंट से, इन्फेंट मीन्स नवजात, न्यू बॉर्न बेबी से एक क्यूट और फैट कब में पड़ा होता चला गया. वन मॉर्निंग बिफोर डॉन, एक सुबह शाम होने से पहले, मुफासा लेट सिम्बा टू द टॉप ऑफ प्राइड रॉक. मुफासा सिम्बा को प्राइड रॉक की टॉप पर ले गया. एज द सन केम अप, जब सूरज आया, मुफासा सेट, मुफासा ने कहा, सिम्बा लुक, एवरीथिंग द लाइट टच इज आवर किंगडम. हर कोई चीज़ हमारी किंगडम को टच करती है. अ किंग्स टाइम एज अ रूलर राइजेस एंड फॉल्स, एक किंग का समय एक रूलर के रूप में, रूलर शासक के रूप में राइज होता है और फॉल्स होता है. लाइक द सन, बिल्कुल सन की तरह, जैसे सन एक मॉर्निंग में राइज होता है और इवनिंग में वो सेट हो जाता है, छिप जाता है, इसी तरह एक किंग का समय होता है रूलर के रूप में, जब वो अपने किंगडम पर रूल करता है. कभी वो राइज होता है, कभी वो फॉल्स होता है. वन डे द सन विल सेट ऑन माई टाइम, एक दिन मेरे समय पर सूरज सेट हो जाएगा, यानी छिप जाएगा. एंड विल राइज विद यू एज अ न्यू किंग, और तुम्हारे नए राजा के रूप में राइज होगा. वाओ, ऑल दिस विल बी माइन, ग्रेट डैड, ये सारी चीज़ें मेरी होंगी. हु सेड दिस? सिम्बा सेड दिस. बट वॉट अबाउट दैट शैडो प्लेस, लेकिन इस शैडो प्लेस का क्या होगा? मुफासा टर्न टू हिज सन, मुफासा अपने सन की तरफ मुड़ा. दिस इज बियॉन्ड आर बॉर्डर्स, ये हमारे सीमाओं के पार है. यू मस्ट नेवर गो देयर सिम्बा, तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए सिम्बा. एंड वन थिंग मोर, और एक और चीज. बट सिम्बा हैड सीन अ ग्रासहॉपर एंड ही चेस्ड आफ्टर इट, लेकिन सिम्बा को एक ग्रासहॉपर दिखाई दे गया था और वो उसके पीछे भागने लगा. लेटिंग आउट वूप्स ऑफ जॉय, वो खुशी से आवाजें कर रहा था और उस ग्रासहॉपर को चेज कर रहा था. द फादर सेटल डाउन ऑन अ रॉक, अ फादर मुफासा रॉक पर बैठ गया. वॉचिंग हिज हैप्पी लिटिल सन एंड स्माइल, वो अपने हैप्पी लिटिल सन को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे. सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ मुफासा एंड प्रिंस सिम्बा. ओके, दैट वॉज योर चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.